कौन है? हाँ हाँ कौन थी? क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी? उसका अच्छा नहीं दिखता था, नहीं दिखता था उसका अच्छा मुझे कभी। क्या अच्छा था उसका ऐसा? नहीं। क्या अच्छा था, क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं दिख रहा था तुझे उसका? क्या अच्छा नहीं दिख रहा था? ए तुम्हारे बन को इधर बोलो, क्या मतलब? हाँ, क्या अच्छा दिख रहा था? झगड़ो उसको तेरे से। हाँ, क्या अच्छा दिख रहा था? जो बोले वो कुछ सब मिलता था। अच्छा, जादू करते टाइम पे तुम क्या लिख गई थी शिरीन के काम का? हाँ, उसके बाल। और 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 हाँ, टाइम मिला खिले उसको। कितने बार दादी, कितने बार दबाई दादी उसको, कितने बार दादी, कितने बार दादी, बहुत बार, बहुत बार दादी, बहुत बार दादी। तड़पा तड़पा के मार देने का था उसको। हाँ, उसके मारत को तूने तोड़े क्या? हाँ, नहीं भगा दी उधर का उधर उसकी मारत को। नहीं, और बच्चे को क्या तकलीफ दे रहे थे उसके? पढ़ना नहीं, तरक्की करना नहीं। हाँ, जोर से बोल। हाँ, क्या कर रही थी बच्चे को? क्या कर रही थी उसके? क्या कर रही थी? जबान से बोल, जल्दी टाइम नहीं मेरे पास। क्या समझी तूने मुझे? काट के टुकड़ा कर दूंगा तेरे, कभी नहीं। बाप का राज चल रहा है, बस लोगों को परेशान करने आऊंगा मैं घुस के। झगड़ो उसको तेरे से। हाँ, और क्या कर रही थी? और हाँ, जल्दी बयान कर, क्या कर रही थी? और हाँ, क्या कर रही थी? और शिरीन बेगम क्या तकलीफ दे रही थी? और सब क्या 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 हाँ हाँ बयान कर, जोर से बयान कर। हाँ, और घर में हाँ नहीं लगना। हाँ, और बेचैनी रहना। हाँ, और तकलीफ में रहना। हाँ, और क्या दे रही थी तकलीफ? सब। और बच्चे को क्या दे रही थी उसके? हाँ, उसका सुनना नहीं। हाँ, उसने हाँ आउटलाइन में जाना। कौन सी आउटलाइन? गंदे लोगों के साथ में। क्या जुए में, क्या लड़कियों के पीछे, क्या कहे में? इसी पुकार पर। अच्छा, और उसके भाई को, उसके भाई का रिश्ता क्यों नहीं जम रहा? उसे भी तूने करी कुछ? मेरी बेटी के साथ में करने का इरादा था। हाँ, फिर नहीं जमा। हाँ, फिर नहीं जमा। बोल के कर दी उसको, ऐसा शादी नहीं होना उसको बोल के। हाँ, उसका क्या ली थी छोकरे का? जोर से बोल। पाव की मट्टी, पाव की मट्टी। फिर क्या करी? हिंदू से करी, मुसलमान से करी जादू? मराठी फाल की। दूसरे गांव का? उस गांव का है? दूसरे गांव का है। कितने रुपए दी थी उसको? हाँ, ऐसा करती डायरेक्ट। साथ में और क्यों? तेरा उसका चक्कर है क्या आदमी का, हिंदू के? अच्छा, बोल के उन्होंने तेरा फूल फ्री में करके दिया इधर, ये लोगों को परेशान कर दिया बेगुनाहों को। मुझे पूरे घर को बदले भरना पड़ी। हाँ, और दुश्मनी क्या थी? तेरी जमीन जायदाद हड़पे थे क्या उन लोगों ने? हाँ, बहुत बहुत मनमानिया कर रही थी, बाप का राज समझ रही थी तेरे? यहाँ पकड़ के लाते सामने, यहाँ कुछ भी हो जाओ, झगड़ो उसको तेरे से। तेरे साथ और कौन मिले आला इस पे जादू करने में? तेरा महाराज, बच्चे, बेटियां कौन है? हाँ, मिले आला है?
और तेरे बच्चों को भी, दूसरों के घर गर्म पानी सिला रही, तेरे बच्चों को बताऊं क्या खटके देके? हाँ करूंगा उनके हाथ पाँव तेड़े, तेरे बच्चों को गाड़िया समझ उठा के नदीन डालने लगाऊं क्या? देखते क्या लोगों के बच्चों को जुलूम दे रही वैसा, झगड़ो उसको तेज से। उसने मेरा सुन के चलना था। हाँ। मेरे मेरे साथ में रहना था करके। क्या नहीं सुनी उन्होंने तेरा? हाँ? क्या नहीं सुनी उन्होंने तेरा? कौन सी बात नहीं सुनी ऐसी? अपना बना के रखी थी उसको। उन्हें तेरे झांसे में नहीं आई, थोड़ी चिड़ के ऐसा कर दी तूने। सहलानी आड़े आता हमेशा सहलानी। अब देखना कसम पकड़ के मार रहे हैं हमारे पास की फौज को। बाप का राज चल रहा है तुम्हारे सालो? किसके भी घर गर्म पानी उसे जलाने को, किसको भी परेशान करने को, उसके बेटे को भी खिलाई क्या दवाई? हाँ कहीं में खिलाई? कितना टाइम हो रहा खिला के? उसके भाई को भी खिलाई क्या? उसको कहीं में खिलाई? सब सब खाते थे घर में क्या हमारे सब। अच्छा भाई को कहीं में खिलाई उसके मिला के? सब में थी चिकन में। अच्छा सब में थी। कहीं बाहर डाली तूने? उसके बड़े भाई को भी, उसके बड़े भाई को भी। उसको क्यों खिलाई? घर में दिया नहीं करना, सुकून नहीं रहना उसके घर में। झगड़ो इसको और तेज के साथ, जोर से बोल रहे। इसकी अम्मी का क्या करी तूने? हाँ शिरीन बेगम के अम्मा को क्या करी थी तूने? जोर से बोल। उनको नहीं खिलाई? नहीं। जादू करी? नहीं। मेरे अब्बा का इंतकाल होगा। हाँ शिरीन बेगम के अब्बा का इंतकाल तूने इसके लिए जादू तूने करके? हाँ जोर से बोल, तूने इस करी है ना? जोर से बोल। तारुपी के पीछे लगते थे हमारे। हाँ। जब आए जब गाले देते थे। हाँ। जब आए जब गाले देते थे पीछे लगते थे। हाँ। उस आज तूने मार दी उसको। चलो उसकी तरह इस साथ में। इनके भाई ना बहनों में बहुत एक दिल है। भाई ना कभी अलग ही होते हैं, इनके भाई ना कभी नहीं अलग होते हैं। मार मार के सारी तंत्र मंत्र की क्यों खत्म करो? गलत है ऐसा जुर्म दे लोगों को, कम्बा कदनी को चीर के डालो उसके सर ताकतों को। क्या करके मारी थी उसके बाप को शिरीन बेगम के? खिलाई थी कि जादू कर दी डायरेक्ट? जल्दी बोलना तो पूरा जला दूंगा। हाँ बोल जलाओ जलाओ। उनको आसरा थे। तूने छोड़ी होंगी, तूने छोड़ी होंगी ना? तूने छोड़ी थी? नहीं नहीं नहीं, तूने छोड़ी हो और दारू पिला पिला के मारो तो बोली थी तूने बरोबर। फिर चलो इसको जकड़ो इसको और तेजी के साथ इसको मार मार के सारी तंदर मंदर क्रिया को खत्म करो। इसकी नाला है को तोबा तोबा कर जल्दी जोर से मुंह पे मार के बोल जबान से तोबा तोबा बोल अल्टा के तोबा 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 और जोर से तोबा तोबा और जोर से तोबा तोबा। हाँ चीख मार जल्दी कमीनी तोबा तोबा जोर से बाहर तक लोगों तक आवाज जाना अल्टा तोबा 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 क्या दुआ कर रही लोगों पे हराम दाते तोबा कर जोर से तोबा 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 जोर से तोबा तोबा जोर से तोबा तोबा। करेंगे अब दोबारा जादू? नहीं जोर से तोबा कर जोर से कर तोबा तोबा तोबा। बुलाओ भाई से फौज को जंदे अदाल के लोग पूरा सब जकड़ के जोर से कर तोबा तोबा लगा पूरी आवाज तोबा 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 जोर से।
करेंगे दोबारा परेशान? नहीं। हाँ करेंगे जादू दोबारा? मुझे मालूम था वो यहाँ आने वाली है। हाँ मुझे मालूम था जोर से आने वाली है। तोबा तोबा कर जोर से अंडा के। तोबा 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 तोबा। हाँ करेंगे दोबारा? नहीं। हाँ नहीं। क्या मालूम हुआ था तुझे नहीं आई बोल के? हाँ और क्या मालूम हुआ था? निहारी बोलने के बाद क्या कर रही थी फिर तू? हाँ उसको सही जाने देने का था। रुकावट डाल रही थी उसके रास्ते में? हाँ। क्या रुकावट डाल रही थी? क्या कर रही थी? इधर के चुगलिया कर रही थी इधर जाना नहीं बोल के? हाँ क्या बोल रही थी? इलाज अच्छा नहीं होता मत जा। नहीं। हाँ क्या जादू टोने कर रही थी? उसने बोली सब नाम बता देते तो नहीं बोल रही थी जाने का। कमबख्त बन के डालो उसको तेजी से सारे उसके जादू टोने को दोबारा सताना नहीं दिखना नहीं मुझे काट दूंगा नहीं तो चल चल रे दस कैमरा वाला जाओ उसको बन के डाल दो उसके तंदर मंदर की या कुछ समंदर के अंदर कैद करो लिया कैद खानों में पानी पियो अरे पानी पियो। ये जो मसला है इनका पहली बार आए दूसरी बार आए हाजिर नहीं हुआ उनको खाली तकलीफ होती थी सिर्फ तकलीफ होती थी। ए इससे पहले घर पे कभी हाजिर हुआ क्या? जोर से बोल। नहीं नहीं। हाँ घर पे कभी हाजिर नहीं हुआ हाजिर यहाँ छुआ मगर पहली राउंड में दूसरे राउंड में हाजिर हुआ अंडा रहा था उसके भी वीडियो है नेट पे पहला राउंड दूसरा राउंड वहाँ सवाल जवाब नहीं हुए पहले राउंड में थोड़ा सा हाजिर हुआ पहले राउंड में उल्टियाँ हुई दूसरे राउंड में हाजिर हुआ और तीसरी फेरी में वो सवाल जवाब लिया उससे इस वास्ते लिए कि कौन है क्या है इन्होंने पूछे नाम बताओ फोर्स करे तो नाम बताना पड़ा और नाम अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा और मैं मेरे जबानी नाम नहीं बताता मैं तुम्हारी जबानी नाम निकाल के बताता यहाँ तुम अल्लाह के हुक्म से ये मौजजा है हाजा मिन फजली रब्बी ए लोगो ये मेरे रब का फजल हुआ तुम्हारे ऊपर और ये कलाम इलाही की बरकत है और ये तुम्हारे को सामने जिंदा मौजजा है ये देख लो ये बयान कर दिए लाकर सामने जो भी दास्तान है। शैतान बलाएं जादू टोने के बाद दो किस्म के अलग अलग रहते एक 100% हाजिरी आती जिसमें पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता एक 50% आती कि जिसके अंदर पेशेंट की जबान चलती लेकिन उसके दिमाग को सुने आता सब कि क्या बातें चल रहे फोन कर रहा मेरी जबान पकड़कर और ये दोनों का क्या चल रहा है इलाज वाले का और उसका तो ये सब बहुत सारे राज है बहुत सारे बातें हैं कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह तुम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों बाज आ जाओ तुम अगर बाज नहीं आएंगे अमलियातों से गंदे अमल करेंगे तो तुम याद रखो तुम गंदे अमल करेंगे तो तुमको जादू तो नहीं तुम्हारे ही तुमको तुम उसके अंदर कोई दलदल में धस के खसम पना होके खत्म हो जाएंगे ये खुदा की कुदरत है और ये कुछ खिला के करके कर आला था इसलिए उनको उल्टियां भी हो रहे थे पन्नी गुठा के पकड़ रहे हो हाथ में कुछ उल्टियां भी होकर निकल रहे थे पहले भी निकला और भी निकला घर को जाने के बाद और भी निकलेगा क्यों निकलेगा एक तो उल्टी में जुलाब में सब तरफ निकलना चल रहा है इसलिए क्योंकि उन्होंने बार बार बहुत सारे बार खिलाई वो जिसका भी नाम निकला मैं तो उसको जानता नहीं और ना मेरी वो दुश्मन है ना मेरी वो पड़ोसन है जिसका नाम निकला ना छान ना पहचान बट जो भी है सामने तुम्हारा आया तुम देख सकते ये खुदा खुदा मेरे जबानी उधर उल्टी का मेरे जबानी तो मैंने बयान नहीं करा लेकिन जो भी है वो उसके जबानी सामने आगा पेशेंट और ये देखो ये उल्टियां चालू है अभी चालू रहेंगे खुद ब खुद उमेटिंग ये मौजजा है कुरान का अल्लाह के कलाम का तुम उमेटिंग होने लगी तो बिस्लरी का पानी पिला दो उमेटिंग बंद हो जाती और यहाँ पर तुम बिस्लरी का पानी पड़ के दम करके पिलाओ कुछ अंदर है तो उमेटिंग होगी नहीं चालू होता इसलिए इसको कहते कि हाजा मिन फजली रब्बी ये मेरे रब का फजल हुआ तुम्हारे ऊपर लोगों ये अल्लाह के कलाम की ताकत है तुम ये बातें सोचो और दिमाग में लाओ बुत परस्ती की तरफ रुजू होना चालू हो गए थे उम्मत मोहम्मदिया की बच्चियां उनको भटका रहा था शैतान माँ बहन बेटियों को काफिर मुनाफिकों के दरों पे ले जा रहा था इलाज के वास्ते वहां उन्होंने जाके भूत परस्ती कर रहे थे और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे मैं बयान नहीं कर सकता उनकी सारी वो हरकतें उनकी सारी वो आदत तोड़ाने के लिए अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठा दिया उसकी कुदरत है खुदा की क्योंकि मेरे को कोई शौक नहीं आ रहा तुम्हारा वीडियो बना के नेट पे डालने मैं कहीं को डालू तुम्हारा तुम खुद मुझे परमिशन देते उसके बाद डालते और जिसका नहीं डालना है मुझे पहले ही फॉर्म भर के दे दिए तो उस पर भी मैं अमल करने लगा देता नहीं डालने के लेकिन ये डाला इसलिए जा रहा
कि तुम लोग इससे वाकिफ हो जाओ कि जादू टोने की कोई ताकत नहीं अल्लाह के कलाम के सामने, कलाम इलाही के सामने बेबस है जादू टोना, क्योंकि कलाम इलाही ही तो अल्लाह ने रहमत और अजमत बना के उतारा उसके कलाम को। तुम उसका कलाम पढ़ेंगे तो फैज हासिल होगा, उसका कलाम पढ़ के बद्दुआ करेंगे तो जालिमा हलाक गर्क हो जाएंगे, और तुम जादू का सहारा लेके किसी को मार मारने जाएंगे तो तुम उसमें ही मुबल्लिस होकर हलाक हो जाएंगे लोगो। इसलिए बाज आ जाओ, दुनिया और आखिरत तुम्हारी गम जाएंगी। मैं तुमको बार बार ये सब बातें इसलिए बताता कि मैं अगर तुमको नहीं बोला तो कौन बोलेगा मुझ पे, ये वाजिब है तुमको बोलना। और दूसरी बात, जादूगरों के दर पे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। इस्लाम के अंदर सख्त मना कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जादूगर के पास जाता, जो उसका नहीं जाता और जो जाने वाला है वो दोनों भी हमें से नहीं है, हमें से नहीं, हमें से नहीं, मैं उसकी शफात नहीं करूंगा आशर के दिन। और मेरी एक बात याद रखना, कल मेरे पास एक लड़की को लेके आए थे यहीं के कहीं से, तो तुम्हारे सुल्तानपुर के आसपास में कोई गांव है लोनावाद जिन, वहां से, तो वो लड़की के चेहरे पर, अच्छा जगह 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 पूरे चेहरे पर ऐसे निशान दिख रहे, तो मैं बोला ये निशान कहीं कैसे काले काले, तो मैंने पकड़ लिया चिरौनी को एक मिनट में, सामने ला लिया, पूछा दिया, रफा दफा कर दिया। बाद में उनको मैं होश में बच्ची को लाने के बाद पूछा कि निशान कहके, तो उन्होंने बोल रहे कि निशान कल रात में हमने एक इलाज वाले को बताए थे, वो चिरौनी उससे डर नहीं रही थी तो उन्हें अगरबत्ती के चुरके दे रहा था उसके मुंह को। लड़की के फिजिकली असल्ट है, और फिजिकली असल्ट करेंगे तो उसको कमीने को उठा के ब्लैक मैजिक के अंदर डालो, या ऐसे लोगों की वजह से तो अंधश्रद्धा फैल रही पूरे इसके अंदर। पावर स्टेशन अलग है और अंधश्रद्धा अलग है, बिटवीन आर डिफरेंसेस, वेरी डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस है दोनों के अंदर। पावर स्टेशन कलाम इलाही की मदद लेकर अल्लाह और उसके रसूल के कलाम से लोगों का इलाज करना, हल करना। ब्लैक मैजिक वैसे फिजिकली असल्ट करना, जूते से मारना, चप्पल से मारना, जलाना। क्या मैंने अभी मारा कि जूते से मारा कि चप्पल से मारा? मैंने बन के जंजीरों से मारने लगाया, मगर कौन मारा वो भी नहीं दिखा और किसको मारा वो भी नहीं दिखा। ये तुम्हारे सामने ना, मैं थोड़ी मेरे जबान कुछ बयान कर रहा, जो भी है तुम्हारे सामने आंखों के, तो इसको इलाज बोलते, इसको अल्लाह का फजल बोलते, और ये अल्लाह के कलाम की बरकत है और ऐसे रहते अल्लाह वाले। और तुम अगर ऐसे मनमानियां करेंगे, लोगों को जूते से मार रहे, चप्पल से मार रहे, बॉडी में उल्टा टांग दे रहे और वो ये कर दे रहे, सब बातों के मैं सख्त खिलाफ हूं। उनको क्या है, उठा के अंदर डालो उनको, कम वक्तों को जूते से मारो उनको। और उससे पहले तो पब्लिक नहीं मारना चाहिए उनको, किसको? जूते से, जो ऐसी हरकतें कर रहे कि लोगों के बच्चों को छत पे से फेंक दे रहे, किसके नाम पे? ये अंधश्रद्धा के नाम पे। क्योंकि असल इलाज करने वाला कोई और रहता और असल तरीका कुछ और रहता, और उसको मिस यूज करके दुकाना चलाने वाले तुमको गुमराह करके, बदमाश चोरा वो ब्लैक मैजिका करने वाले तुम्हारे उल्लू बना के बर्बाद कर देते। ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यूं कर दो, त्यूं कर दो, हो जाता, मार दो, काट दो, बलिया दे दो, सख्त मना है। कोई भी शैतान और कोई भी जिन्नात यहाँ आने के बाद गिड़गिड़ाता, अरे शैतान को मानने वालों, अरे जिन्नात को मानने वालों, तुम्हारे जिन्नात और शैतान की क्या ही हैसियत और मिसात यहाँ अल्लाह ने रखा, तुम देख लो गिड़ो के अंदर, और लाके भी यहाँ सामने देख लो, यहाँ जो भी है लाइव में होता है यहाँ। और दूसरी बात, वो शैतान और जिन्नात को तुम खजाना निकालने के वास्ते बलियां देते इंसानों के, जानवरों के क्या जरूरत है? तुम शैतान के पुजारी है, कोई खजाना नहीं निकलता बलि देने से, कोई शैतान राजी नहीं होता। असल में जादूगर अपनी सिद्धि बढ़ाने के वास्ते वो हरकतें करता सब, तो इसलिए मत जाया करो उनके पास। उन्हें कहीं पे भी दिखे तो सालों को उठा के अंदर डाल दो ब्लैक मैजिक के अंदर। कम वक्तों को सुधरो और जागरूक हो, अभी तुम जागेंगे नहीं, होशियार नहीं हो तो कब होंगे? सबसे ज्यादा कोई भटकते तो वो है गैर मुस्लिम, और मुसलमान तो बहुत कम भटकते, क्योंकि वो शरीयत हदीस अल्लाह रसूल उसके कानून कायदे के हिसाब से चलते। बाकी ऐसे हरकतें जला दे रहे, वैसा कर दे रहे, मान ले रहे, बॉडियों में उल्टा टांग दे रहे लोगों को, तो वो इलाज करने वाला नहीं है, वो ब्लैक मैजिक करने वाला है, और वो फिजिकली असल्ट कर रहा है इंसानों को, इसलिए उसको उठा के एक्ट लगता है उसके ऊपर, उसको अंदर डालो साले को कम बहुत को, क्योंकि मैं उस बात का सख्त विरोध करता हूँ। सख्त इलाज ऐसा नहीं रुका, इलाज देखो बगैर टच करके, मैंने कैसे कैसे इलाजों को राइट करके बताया तुम, आपको अल्लाह के कलाम की ताकत है, और तुम सच्चाई को थोड़ी छुपा सकते। सच्चाई अगर हूबहू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी जिंदगी तक होगा, वरना किसी खबर के अंदर जमींदारी नहीं चलती। ये सब बातों को जहन नशीन रखो, और जहन नशीन रख के इबादत की राह को मजबूती से थामो। किसी के घर गर्म पानी से जलाने का मत सोचो। तुम अगर ऐसे हरकतें करिए तो यकीनन तुम पे पलट के वार पड़ते। तुम क्या समझ रहे तुम बचेंगे ऐसी हरकत करके एक दूसरे के ऊपर? तुमको कुदरत के निजाम की तरफ से मार पड़ती।
क्योंकि फैसला देने के बाद तुम्हार तो पढ़ना जरूरी है ना पलटवार। बहुत सारे राजे बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत की राह को मजबूती से थामो, कुरान हदीस अल्लाह रसूल। और मैं ये जो कर रहा हूँ इलाज, ये मैं मेरे मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह जो काम लेना चाहा वही लेता। मैं पढ़ के डॉक्टर बना, मैं पढ़ के वकील बना, मैं MS साइकोलॉजी हूँ, मैं आयुर्वेदिक में MD डॉक्टर हूँ और LLB भी हूँ, लेकिन उन्हें ये सब छोड़ जो भी मेरे उससे काम लेना है देख लेना दुनिया ने उनसे क्या काम ले रहा, वो चुनता जो भी कामों के लिए किसी को, तो शैतान भी चुनता उसके बंदों को जो कि लोगों को जहमत देना परेशान करना वो करना। तो देखो परखो तुम्हारा, तुम जानवर नहीं है, गधा नहीं है तुम, और ना तुम बकरी मेंढी है, एक मेंढी जिधर गई पूरे मेंढिया उधर जाएंगे। अकल दिया ना तुम्हारा समझने के लिए कौन सही है कौन गलत है, ये देखते जाना और समझना और समझ के वो करना। और दूर रहो वो लोगों से जो शैतान के पुजारियां हैं, दूर रहो उनसे जो इंसानियत के दुश्मन है, तुम्हारा हलाक कर देंगे, तुम्हारा गर्क कर देंगे, उन्होंने तुम्हारा ही पैसा लेके खा के सब। ये सब बातों पर अमल करो क्योंकि मुझे इंसानियत का दर्द है इसलिए मैं तुमको बताता। अल्लाह ने फरमा दिया सारे इंसानियत से मोहब्बत करो इसलिए मैं तुमको ये सब बातें बता रहा हूँ। सूफी मूवमेंट को पढ़ो।